हेलो स्टूडेंट्स, सुमेल रोहिला यूट्यूब लाइव क्लासेस में एक बार फिर आपका स्वागत है। जल्दी से सभी बच्चे लाइव क्लास से जुड़ें ताकि आज का जो हम टॉपिक शुरू करें, मोस्ट इम्पोर्टेंट आज का टॉपिक है बेटा। आज का जो हमारा डिस्कशन है वो है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का, और एक इतने अच्छे कंसेप्ट के साथ आज हम ये डिस्कशन करेंगे कि आपको गुडविल का हर एक जो पॉइंट टू पॉइंट है आपको समझ में आएगा, और CACS लेवल का जो आज हम यहां टॉपिक है वो डिस्कस करने वाले हैं। जल्दी से सभी बच्चे लाइव क्लास से जुड़े। कुलदीप पंगाल कर रहे हैं कि स्क्रीन पर अभी क्लैरिटी ऐसा बेटा, आपके यहाँ की जो वीडियो चल रही है वो 480 और 720 में है। आप अपने यूट्यूब पे और कोने में देखोगे तो तीन डॉट हैं, उन डॉट पे अगर आप क्लिक करोगे तो आपके पास क्वालिटी मिलेगी, ठीक है। उस क्वालिटी को आप मैक्सिमम कर लें ताकि यहाँ क्लैरिटी आपको अच्छे ढंग से मिलते रहें। अनिल ठीक है, हाँ जी, चलो स्टार्ट करते हैं बेटा। आज का टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हाँ जी, देखते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है बेटा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल व्हेन चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। देखिएगा, आज का टॉपिक है बेटा ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। हमें गुडविल का ट्रीटमेंट करना है, कब करना है, व्हेन चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, इतना इंटरेस्टिंग है ये, इतना अच्छा टॉपिक है। देखिएगा ध्यान से। चलो हम एक एग्जाम्पल से ही यहां आज स्टार्ट करते हैं कि हमें गुडविल का ट्रीटमेंट क्यों करना पड़ता है जब रेशियो में चेंज आए। ठीक है, इतना आसान टॉपिक है बेटा, मैं स्टार्ट करता हूं, आप सभी साथ के साथ मेरे को जवाब देते रहें। अगर किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन आता है बीच में तो वो तुरंत बेटा मेरे से पूछ लें। देखो, मैं इससे पहले गुडविल के जो कैलकुलेशन के टॉपिक आपको ऑलरेडी करवा चुका हूं, हमारे जो प्रीवियस 3 से 4 वीडियो हैं वो यूट्यूब पर अवेलेबल हैं, तो आप देख लीजिएगा कि गुडविल का कैलकुलेशन कैसे करते हैं। हमने गुडविल का कैलकुलेशन कर लेने के बाद अब हम उसका ट्रीटमेंट करते हैं कि गुडविल का कैलकुलेशन तो हमने कर लिया लेकिन उसका यूज कहाँ होगा और उसका यूज क्यों होगा, इसके बारे में आज हम जानेंगे बेटा। तो देखते हैं, मैं हमारा जो प्रीवियस एग्जाम्पल है उसी को पूरा जो टॉपिक है वो कनेक्ट करूंगा। देखिएगा साथ के साथ, देखना बेटा, एक कंपनी है नोकिया, ठीक है, और इस नोकिया कंपनी को परचेज कर लिया गया था बेटा किस कंपनी के द्वारा, माइक्रोसॉफ्ट। किस कंपनी ने नोकिया कंपनी को परचेज किया था, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने, ठीक है। अब देखो बेटा, गुडविल के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रहा हूं आपको पहले, कि नोकिया कंपनी को परचेज किया माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने, तो हमने क्या किया, नोकिया कंपनी की
गुडविल को कैलकुलेट किया, ठीक है, किसकी गुडविल को कैलकुलेट किया, नोकिया कंपनी की गुडविल को क्यों कैलकुलेट किया, इसके बारे में हमारा डिस्कशन अभी। देखो आज से पहले ये एक लाइनिंग हैबिट, एक टाइम है, यहां तक मैं अज्यूम करता हूं कि यहां से लेके जब ये कंपनी शुरू हुई या फिर कोई फर्म शुरू हुई और यहां से लेके यहां तक इस फर्म की जो ओनरशिप है वो किसके पास थी, नोकिया कंपनी के पास। फिर ये फर्म किसने परचेज कर ली, माइक्रोसॉफ्ट ने। तो इसके बाद जो ओनरशिप हुआ बेटा यहां, ये इस टाइम पीरियड से लेके यहां तक आगे तक इसकी ओनरशिप किसके पास रही, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के पास, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी और नोकिया कंपनी ने मिलके क्या कैलकुलेट की, गुडविल कैलकुलेट की, ठीक है। उस गुडविल कैलकुलेट करने का मतलब ये था बेटा कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी को, मतलब ये जो कंपनी है, इस माइक्रोसॉफ्ट कंपनी को इस नोकिया कंपनी की वजह से कितने प्रॉफिट होंगे, ठीक है। जैसे अज्यूम किया गया था कि भाई एवरेज प्रॉफिट है इस नोकिया कंपनी के वो 10,000 रुपीज हैं। ध्यान से सुनिएगा बेटा, एक एक पॉइंट को डीपली सुनिएगा, सिर्फ आप सुनते रहें कि मैं जो बता रहा हूं और एनालाइज करते रहें, पूरे का पूरा टॉपिक है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का, आपको क्लियर समझ में आ जाएगा बेटा। क्या था कि हमने एवरेज प्रॉफिट निकाले थे, ठीक है, कि 10,000 रुपीज आ गया, ऐसे अज्यूम कर रहा हूं, और ये जो 10,000 रुपीज प्रॉफिट है ये नोकिया कंपनी की रेपुटेशन से माइक्रोसॉफ्ट कंपनी को अगले 3 ईयर तक होते रहेंगे। 3 साल तक जो प्रॉफिट होंगे वो किसकी रेपुटेशन की वजह से होंगे, वो नोकिया कंपनी की रेपुटेशन की वजह से होंगे। इसलिए हमने यहां क्या क्लियर कर लिया था कि 10,000 into में कितने ईयर तक था, 3। तो आपको मैं याद दिला दूं, ये 3 ईयर परचेज का मीन था कि नोकिया कंपनी की जो रेपुटेशन है उसका जो प्रॉफिट है, इसका जो रेपुटेशन की वजह से इस कंपनी को कितने ईयर तक प्रॉफिट होंगे, तो हमने बोल दिया 3। ये 3 ईयर परचेज है, 3 ईयर परचेज का कंसेप्ट हमने जो हमारी गुडविल कैलकुलेशन का टॉपिक है उसमें आपको वाइडली करवा दिया था, आप चेक कर लीजिएगा। तो हमने क्या चेक किया बेटा, 30,000। क्या 30,000? इसका मीन ये था कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी को 30,000 रुपीज प्रॉफिट होंगे, वो किसकी वजह से होंगे, इस पास्ट की जो कंपनी है, जो पहले कंपनी थी, मतलब नोकिया कंपनी थी, इसकी वजह से हो रहे हैं। यहां तक आपको क्लियर है, इसको मैं जेन्युइन तरीके से आगे कर, जो हमारे पार्टनर्स हैं उनके साथ जोड़ूंगा, तो आप समझ जाइए, ठीक है। तो आप मेरे को यहां तक बताइए कि ये पॉइंट आपको क्लियर है क्या, जल्दी से बताएं बेटा, यूनिका, राहुल, कुलदीप, शाबाश, जल्दी से बताएं बेटा। यस सर, यस सर, यस सर, यूनिका, कुलदीप, मंजू, ईश्वर सिंह, बहुत बढ़िया बेटा। चलो मैंने यहां एक छोटे से रूप में क्या बता दिया कि गुडविल जो है उसका मीन है बेटा कि प्रीवियस का जो पास्ट का जो एफर्ट है, पास्ट का जो मेहनत है, पास्ट का जो कस्टमर डीलिंग है, पास्ट की जो रेपुटेशन है, उस पास्ट की रेपुटेशन से फ्यूचर में जो कंपनी है उसको कितने प्रॉफिट होंगे, गुडविल का ये मीन है। अब मैं इसको पार्टनर्स के साथ जोड़ रहा हूं बेटा, ध्यान से देखिएगा कि हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं कि व्हेन चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। यहां मैंने गुडविल के बारे में बताया बेटा, अब मैं हमारा जो मेन टॉपिक है, जो चैप्टर है जो हम डिस्कस कर रहे हैं, वो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का है कि अगर रेशियो में चेंज आए तो इस गुडविल का क्या ट्रीटमेंट होगा। चलो बेटा मैं यहां डिस्कशन करता हूं, ये बेटा टाइम है, क्या है बेटा, ये टाइम है। क्या था कि
एक एग्जाम्पल हम लेके चलेंगे कि मिस्टर ए एंड बी आर पार्टनर इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। कि भाई एक फर्म है, फर्म के दो पार्टनर हैं बेटा, और वो पार्टनर्स प्रॉफिट एंड लॉस को 3:2 में है वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। ओके बेटा ठीक है। क्या हुआ, फर्स्ट जैन 2018, मैं एज्यूम करता हूं कि आज यहां इस पॉइंट पे आज जो है 1 जनवरी 2018 है, और आज इन्होंने ये डिसाइड किया कि दे विल शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन फ्यूचर इक्वली, कि उन्होंने डिसाइड किया है कि वो प्रॉफिट एंड लॉस को 1 जनवरी 2018 से इक्वल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। क्लियर बेटा, यहां रेशियो 3:2 था, आज इस पॉइंट पे 1 जनवरी 2018 को इन्होंने डिसाइड किया कि प्रॉफिट को 1:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। रीजन देखो, पहले भी मैंने आपको बताया है कि रेशियो में चेंज है उसके काफी सारे रीजंस होते हैं, ठीक है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो डिसाइड होता है वो किस बेस पे होता है, तो मैंने एक लेक्चर में आपको बताया था जब इंट्रोडक्शन हम दे रहे थे चैप्टर का, हमारे प्रीवियस वीडियो के अंदर वो मिल जाएगा आपको, कि प्रॉफिट जो हम डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए एग्री होते हैं, जैसे 3:2 इन्होंने एग्री किया होगा, तो काफी सारे पॉइंट इसके अंदर कंसिडर होते हैं। हो सकता है ए ने ज्यादा कैपिटल लगा रखी हो, बी ने कम लगा रखी हो, कैपिटल का बेस हो सकता है, या रिस्पॉन्सिबिलिटी का बेस हो सकता है कि ए ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है बिजनेस को लेके, ज्यादा इसको कार्य करने पड़ रहे हैं, बी कम है, बी स्लीपिंग पार्टनर है, मतलब काफी सारे केसेस थे जिनके ऊपर डिपेंड था कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और ये भी फिक्स है कि हो सकता है कि इन फ्यूचर वो रेशियो में चेंज कर लें, ठीक है। जरूरी नहीं है कि जो फर्स्ट टाइम डिसाइड हो वो ही लास्ट तक चले। पार्टनरशिप एग्रीमेंट में टाइम पीरियड भी हो सकता है कि हम 5 ईयर तक 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और इन फ्यूचर 1:1 में करेंगे। कहने का मतलब यहां जो मेरा पॉइंट है बेटा वो ये है कि भाई पास्ट में इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था वो 3:2 था, और अब फ्यूचर में फर्स्ट जैन 2018 से इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1 होगा। तो कहने का मतलब बेटा जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो चेंज हो गया। यहां तक क्लियर हो गया भाई? चलो अब देखो, ध्यान से देखने वाली बात है बेटा। इससे पहले आप लोग मेरे को बताइएगा, इससे पहले जो ये पास्ट है, पास्ट मतलब ये पास्ट है भी पीछे का, और आज 1 जनवरी 2018 है, और आगे का ये पोर्शन मैं बोलूंगा वो फ्यूचर बोलूंगा। क्या बोलूंगा? फ्यूचर, भविष्य, ठीक है। देखो पास्ट का जो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2, ठीक है, वो किस बेस पर डिसाइड था? इनकी मेहनत, मेहनत, ठीक है भाई, इनकी जितनी मेहनत थी उस मेहनत से जितना प्रॉफिट हो रहा था उसको वो 3:2 में डिवाइड कर ले रहे थे। जो इनका पास्ट का था उस पास्ट में ए जितनी मेहनत और बी जितनी मेहनत कर रहे थे, दोनों मिलके जितनी मेहनत कर रहे थे, और मेहनत करने पर जितना प्रॉफिट हो रहा था उस प्रॉफिट को ये 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। यहां किसी को कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है ही नहीं कि भाई इन्होंने जितनी मेहनत की उतना इनको मिल गया, ठीक है। अब क्या है आगे, बहुत सोचने वाली बात है बेटा। आगे देखिए, आगे ये मेहनत करेंगे, जो एफर्ट्स करेंगे वो किसके लिए करेंगे? 1:1 के लिए, ठीक है भाई। आज के बाद जितना प्रॉफिट होगा उसमें ए की कितनी मेहनत लगी, बी की कितनी मेहनत लगी, इक्वल मेहनत लगी, इक्वल मेहनत लगी, तो प्रॉफिट भी इक्वल ले रहे हैं। इसमें क्या था कि ए की मेहनत ज्यादा लग रही थी, ए के एफर्ट्स ज्यादा थे, ए ज्यादा जो है वो कोशिश कर रहा था बिजनेस के लिए, ए की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा थी, इसलिए ए को प्रॉफिट ज्यादा मिल रहे हैं, ठीक है। याद तक क्लियर है बेटा? पहले मेहनत जिस हिसाब से हो रही थी प्रॉफिट उस हिसाब से मिल रहा था, कोई दिक्कत नहीं।
अब मेहनत जिस हिसाब से हो रही है प्रॉफिट उस हिसाब से मिल रहा है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत ही नहीं है। पहले जो मेहनत थी वो उसके हिसाब से प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था, और अब जिस हिसाब से मेहनत कर रहे हैं उस हिसाब से इनको प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। यहां तो किसी को कोई दिक्कत है ही नहीं ना, क्लियर है। लेकिन लेकिन सोचिएगा, अब मैं पॉइंट बता रहा हूं बेटा, क्या ऐसा पॉसिबल है कि ए और बी ने मेहनत करके, ध्यान से देखिएगा, ए और बी ने जो मेहनत करके यहां से लेके और यहां तक जो रेपुटेशन कमाई थी, या ऐसे बोल दूं कि जो कस्टमर जोड़े थे यहां से, इन दोनों की मेहनत से, क्या वो कस्टमर 1 जनवरी 2018 के बाद चेंज हो जाएंगे, या फिर वो भी दोबारा से बिजनेसेस में आएंगे? भी कस्टमर हमने जोड़े, ध्यान से देखो बेटा, ये पॉइंट 100% आपको समझ में आना चाहिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, कि ए और बी ने जो यहां से लेकर यहां तक की मेहनत की, उस मेहनत से, उस डीलिंग से, उस बिहेवियर से इन्होंने जितने कस्टमर को जोड़ा, ठीक है, क्या वो कस्टमर अब आगे भी इनके साथ जुड़े रहेंगे? क्योंकि बेटा रेशियो में ही चेंज आया है, बिजनेस तो वही है हमारा, समझ पा रहे हैं ना? तो आप लोग मेरे को ये बताएं, आप जवाब दें, सभी बच्चे जो मेरे को देख रहे हैं, आप ये मेरे को सुनिश्चित करें बेटा कि ये कस्टमर आने वाले टाइम में भी जुड़े रहेंगे क्या, बस ये बता दो मेरे को। सभी बच्चे जवाब दे बेटा, जो भी मेरा लेक्चर देख रहा है वो सभी बच्चे मेरी लाइव सेशन से जुड़ें, और सभी बच्चे जो हैं वो साथ के साथ जवाब दें बेटा, ठीक है? ऐसा कंसेप्ट है ये कंसेप्ट जो आज बेटा आप पढ़ रहे हो, ये सीए और सीएस लेवल के जो बच्चे हैं, सीए और सीएस करने के बाद ये टॉपिक उनके प्रैक्टिकल जब करते हैं तब ये माइंड में आते हैं, ठीक है? और ये टॉपिक आज अभी आपको क्लियर करवाया जा रहा है, ये आपके लिए बड़ी अच्छी बात है बेटा, ठीक है? बहुत ध्यान से देखने वाली बात है। एक बार बताएं सभी कि यहां से लेके यहां तक जो मेहनत थी, उस मेहनत से जो कस्टमर इन्होंने जोड़े थे, मतलब जो रेपुटेशन इन्होंने कमाई थी, उस रेपुटेशन से जो कस्टमर जुड़े थे, क्या वो रेशियो चेंज के बाद भी जुड़े रहेंगे? जुड़े रहेंगे, शाबाश। सभी बच्चे कह रहे हैं जी हाँ जी, दोबारा से आएंगे, ठीक है? अब देखो बेटा, एक प्रॉफिट मैं ले लेता हूं बेटा, ताकि आपको क्लियरली समझ में आ जाए। क्या हुआ, 1,00,000 रुपीज का प्रॉफिट हुआ बेटा, उस प्रॉफिट को इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया। ये प्रॉफिट है, ये इस पीरियड का बेटा, मतलब चेंज रेशियो में चेंज होने से पहले, रेशियो में चेंज होने से पहले प्रॉफिट हुआ बेटा 1,00,000। अब 1,00,000 रुपीज प्रॉफिट हुआ तो इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया 3:2 में। अब 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट किया तो मिस्टर ए के हिस्से कितने जाएंगे? 5। मिस्टर ए के हिस्से में जाएंगे बेटा 60,000, और मिस्टर बी के हिस्से में जाएंगे 40,000, ठीक है? अब फ्यूचर में भी अगर उनको 1,00,000 रुपीज प्रॉफिट होगा, मैं अज्यूम करूं भाई 1,00,000 रुपीज प्रॉफिट होगा, तो बेटा ये तो रेशियो में चेंज के बाद प्रॉफिट हुआ, तो सीधी सी बात हुई बेटा, इसको नए रेशियो के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, और नए रेशियो के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो मिस्टर ए के हिस्से में 50,000 और मिस्टर बी के हिस्से में 50,000। यहां तक क्लियर है क्या? ये तो है पास्ट प्रॉफिट, जो प्रीवियस पीरियड का प्रॉफिट था वो, और ये है बेटा रेशियो में चेंज आने के बाद का प्रॉफिट। अब मेरे को ये सुनिश्चित करें कि यहां तक क्लियर है क्या? यस सर, यस यस यस, चलो मंजू बिश्नोई, चलो बेटा ठीक है। अब देखो बेटा, अब एक बात समझ में ये है कि पहले मिस्टर ए को 60,000 हो रहे थे, ओके,
प्रॉफिट जो है उसमें पार्टिसिपेशन मिल रहा था 60,000 रुपीज का, और अब इन फ्यूचर मिलेगा 50,000। कोई दिक्कत नहीं, पहले ये मेहनत कर रहे थे 60 के अकॉर्डिंग, अब ये मेहनत कर रहे हैं 50 के अकॉर्डिंग, 1% भी दिक्कत है, दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। लेकिन बेटा इस मिस्टर ए को माइंड में कहीं ना कहीं ये बात जरूर आएगी कि सर मैंने जो मेहनत की पहले वो 60,000 के लिए की, ठीक है, और उस 60,000 की मेहनत, या ऐसे बोल दूं कि 3:2 के लिए इन्होंने मेहनत की और ये 1:1 का प्रॉफिट है, तो कह रहे हैं कि सर मिस्टर ए है वो ये बात सोच रहे हैं कि हमारी प्रीवियस मेहनत की वजह से हमारा फ्यूचर में भी उस मेहनत की वजह से प्रॉफिट हुआ होगा। देखो यहां जो प्रॉफिट हुआ, ठीक है, यहां की जो रेपुटेशन है उस रेपुटेशन से कुछ प्रॉफिट तो यहां हुआ होगा ना, ठीक है। अब मिस्टर ए के माइंड में ये बात आ रही है कि भाई 1,00,000 रुपीज, एक बार थोड़ा समय और इसको इंप्रूव करने की कोशिश करूं बेटा, आपको दोबारा से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान से देखिएगा कि 1,00,000 रुपीज, मैं ऐसा बोलता हूं कि 1,00,000 रुपीज है वो इनकी रेपुटेशन की वजह से प्रॉफिट हुआ, ऐसा मान लेते हैं 1,00,000 रुपीज प्रॉफिट हुआ, किसकी वजह से हुआ बेटा, इनकी रेपुटेशन की वजह से हुआ, ठीक है। और यहां इन फ्यूचर जो है इनको 1,00,000 रुपीज है वो प्रॉफिट होगा वो प्रीवियस रेपुटेशन की वजह से होगा बेटा, इस रेपुटेशन की वजह से जो कस्टमर जुड़े वो यहां भी जुड़े रहेंगे बिजनेस से, ठीक है। तो यहां की जो डीलिंग थी, यहां का जो बिहेवियर था, उसकी वजह से यहां 1,00,000 रुपीज प्रॉफिट हुआ और ये इसको 1:1 में बांट रहे हैं। हालांकि ये जो रेपुटेशन है ये इन्होंने इस रेशियो के लिए कमाई थी, भी ये जो रेपुटेशन है इस रेपुटेशन की वजह से इनको जो 1,00,000 रुपीज फ्यूचर में प्रॉफिट हो रहा है वो किसका मेहनताना है बेटा, वो किसकी मेहनत का नतीजा है और भी, और ये यहां की मेहनत का है, इस मेहनत की वजह से इनको ये प्रॉफिट हो रहे हैं, तो इस प्रॉफिट को 3:2 में होना चाहिए, ठीक है भाई। आज के बाद इन्होंने जो नए एफर्ट्स किए, नई मेहनत की, उसको 1:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर लो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मिस्टर ए ये बात कह रहा है, क्योंकि सेक्रीफाइस तो मिस्टर ए को करना पड़ रहा है ना, मिस्टर ए के माइंड में ये बात चल रही है बेटा कि भाई मेहनत हमारी यहां की है और उस मेहनत की वजह से आगे प्रॉफिट हो रहे हैं, तो इस प्रॉफिट का जो डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए वो इस मेहनत की वजह से होना चाहिए। क्या इस बात से एग्री हैं आप? ठीक है, अब कई बच्चों को ये लगेगा कि यहां 1,00,000 रुपीज के प्रॉफिट कैसे हो गए, इसीलिए बेटा मैंने ये पॉइंट आपके साथ कनेक्ट किया था, प्रीवियस में कितना प्रॉफिट हो रहा था 10,000, और हमने क्या डिसाइड कर लिया था कि 10,000 रुपीज आगे 3 साल तक इनको ज्यादा होते रहेंगे इनकी रेपुटेशन की वजह से। 10,000 रुपये प्रॉफिट हुआ, ये अगले 3 साल तक 10,000 मिलते रहेंगे हर साल, ये पीछे के इफेक्ट की वजह से। वही बात यहां अप्लीकेबल है बेटा कि यहां 1,00,000 रुपीज इनकी रेपुटेशन का जो मिला था, गुडविल का मिला था, ये 1,00,000 रुपीज इनको फ्यूचर में भी मिलेगा 2 या 3 ईयर या 4 ईयर, वो तो हमने गुडविल में कैलकुलेट करना सीख लिया कि कितने ईयर का रहेगा। तो कहने का मतलब इस रेपुटेशन की वजह से यहां जो प्रॉफिट हुआ उस प्रॉफिट को इनको 3:2 में बांटना चाहिए। क्या इस बात में ए को या बी को कोई दिक्कत होगी? नहीं। अगर आज के बाद ये मेहनत करेंगे, आज के बाद मतलब 1 जनवरी 2018 के बाद जो प्रॉफिट है, जो रेपुटेशन बनाएंगे, उसको 1:1 में बांटो, कोई दिक्कत नहीं, ना ही तो ए को दिक्कत होगी ना ही बी को दिक्कत होगी। यहां तक आप समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं? एक बार जल्दी से मेरे को बताएं बेटा ताकि मैं आगे चलूं। यहां इस 1,00,000 रुपीज का झगड़ा है या नहीं है? भाई झगड़ा इस वजह से है, मिस्टर ए कह रहा है कि 1,00,000 रुपीज हमारी दोनों की मेहनत है और उस मेहनत को 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है, और इस मेहनत की वजह से आगे हमें 1,00,000 रुपीज का प्रॉफिट हुआ, तो ये मेहनत है, ये जो प्रॉफिट है ये हमारी इस मेहनत का नतीजा है, तो हमें इस प्रॉफिट को इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। क्या ये बात सही है? क्या ये बता दीजिए बेटा मेरे को जल्दी से। मंजू बिश्नोई कह रहे हैं ये सही है सर,
कुलदीप कह रहे हैं, यूनिका कह रहे हैं, ईश्वर सिंह कह रहे हैं, कुलदीप पंगड़, वेरी गुड बेटा, सही है। तो इस 1 लाख रुपीज, ये जो पास्ट का जो रेपुटेशन है उसकी वजह से यहां जो प्रॉफिट हो रहे हैं, इस झगड़े को खत्म करने के लिए यहां गुडविल कैलकुलेट की गई है बेटा। यहां क्या कैलकुलेट की गई? गुडविल कैलकुलेट की गई। क्या कैलकुलेट की गई? गुडविल, ठीक है ना। गुडविल का मतलब क्या बताया मैंने अभी? बताया था, देखो गुडविल का मतलब बताया था मैंने, ये बता रखा देखो बेटा, बिल्कुल क्लियर है बेटा। गुडविल का मतलब है कि यहां प्रीवियस की वजह से फ्यूचर में कितना प्रॉफिट होना है, ठीक है। तो उसको हमने क्या नाम दे दिया? गुडविल। तो हमने यहां यह चेक कर लिया कि प्रीवियस की वजह से फ्यूचर में कितना प्रॉफिट होगा, और प्रीवियस का इफेक्ट हमने यहां चेक कर लिया, उसको पुराने रेशियो के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, तो झगड़ा खत्म हो जाएगा? नहीं हो जाएगा भाई झगड़ा खत्म, ये बताइए, फिर कोई दिक्कत नहीं रहेगी ना। इसलिए बेटा ये चेक करें, थोड़ा सा मैं यहां डिस्ट्रीब्यूट एक एग्जांपल लूंगा, ये 1 लाख रुपीज का ही डिस्ट्रीब्यूट करके देखू मैं, कि अगर हम इस 1 लाख रुपीज को ओल्ड रेशो के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट करें, मतलब 1 लाख रुपए प्रॉफिट हुआ प्रीवियस की वजह से, इस 1 लाख को डिस्ट्रीब्यूट किया, तो ए के और बी के हिस्से में कितना कितना गया? ए के हिस्से में जाएगा बेटा 60,000, और बी के हिस्से में कितना जाएगा? 40,000। ओके, अगर ये न्यू रेशियो के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट करें बेटा, तो ए के हिस्से में कितना जाएगा? 50,000, और बी के हिस्से में कितना जाएगा? 50,000, ठीक है। अब देखो ए का जो सही बेटा इसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इसकी वजह से यहां जो 1 लाख रुपीज प्रॉफिट हुआ, उस 1 लाख रुपीज को में से 60,000 मिस्टर ए के पास जाने चाहिए, लेकिन न्यू रेशियो के अकॉर्डिंग 50,000 तो जा ही रहे हैं, ठीक है ना। तो एक काम करें, इसको 10,000 रुपीज अगर मिल जाए तो हिसाब बराबर है ना बेटा भी, 10,000 रुपीज आज यहां इसको ज्यादा प्रॉफिट मिल जाए, ठीक है। तो किसकी वजह से ज्यादा ले रही है? रेपुटेशन की वजह से। तो इसका झगड़ा खत्म भी, पहले भी मेरे को 60 मिल रहे थे और अब 50 मिल रहे थे, तो 10,000 मेरे को और दे दिए जाए, ठीक है। अब देखो इसको कितना मिलना चाहिए था, इस 1 लाख रुपीज में, ये प्रीवियस की वजह से, इस 1 लाख रुपीज में मिस्टर बी का कितना हिस्सा है? 40,000, लेकिन नए के अकॉर्डिंग मिल कितना रहे? 50,000। तो इसको 10,000 रुपीज तो बगैर मेहनत के मिल रहे हैं ना, इसने तो कोई मेहनत ही नहीं की, इस 1 लाख रुपीज में इसकी मेहनत जो है 40,000 की थी, लेकिन इसको मिल कितने रहे हैं? 50,000। ये 10,000 रुपये इसको बगैर एफर्ट के मिल रहे हैं ना, इसलिए कह रहा है कि आप जो है 10,000 रुपीज आप किसको दे दें? ए को दे दें, ठीक है। आपका जो फ्यूचर प्रॉफिट है वो एडजस्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, क्लियर हो गया बेटा। इसलिए अब मैं इसको अकाउंटेंसी की प्रोफेशनल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दूं, कहने का मतलब मैं इसकी जर्नल एंट्री कर दूं, तो कोई दिक्कत नहीं है। जर्नल एंट्री करते हैं तो हमने +1 क्लास के अंदर जर्नल एंट्री का कंसेप्ट बड़े अच्छे ढंग से पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो देखते हैं, जर्नल एंट्री करते हैं तो बी की कैपिटल कम हो रही है बेटा यहां पे, और कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है आपको पता है, और क्रेडिट बैलेंस अगर कम हो, करना पड़े, कम करना पड़े, तो हम उसको क्या करेंगे? डेबिट। मतलब मैं एंट्री क्या करूं यहां पर? एंट्री हो जाएगी बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट रुपीज 10,000 टू एज कैपिटल रुपीज 10,000, ठीक है। बुक्स के अंदर हमारा ये कंसेप्ट किस आधार पे दे रखा है? बुक्स के अंदर हमें गिवन है कि इसको सैक्रिफाइस और गेनिंग रेशियो में एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। लेकिन बेटा यहां मैंने आपको जो कंसेप्ट बताया वो लॉजिकल बताया कि इसका एक्चुअल रीजन क्या है, ठीक है। और मैंने यहां एक टेबल यहां एडजस्ट की, एक टेबल बनाई, और उस टेबल के हिसाब से मैंने चेक किया कि किसको कितना मिल रहा है और कितना उसको मिलना चाहिए था,
उसके बेस पे मैंने एडजस्ट करके और इनकी ये जो गुडविल है उनको एडजस्ट कर दिया। किसी बच्चे को कोई दिक्कत है यहाँ बताइए, जल्दी से बताइए बेटा, किसी बच्चे को कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक तो जल्दी से बताएं बेटा। सभी बच्चे कमेंट करें, अगर आपको समझ में आता है तो बताएं, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो साथ के साथ बताएं। कोई पॉइंट आपको रिवाइज करवाना है, कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप बेटा मेरे को जल्दी से बताएं। कुलदीप कह रहे हैं क्लियर है, ईश्वर सिंह क्लियर है, चलो ठीक है बेटा। एक एग्जाम्पल और लूंगा मैं, ठीक है, एक एग्जाम्पल और लेते हैं ताकि आपको क्लियर ये पॉइंट समझ में आ जाए। यहां बोला गया कि मिस्टर एक्स एंड वाई आर पार्टनर इन ए फर्म। मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई पार्टनर इन ए फर्म, फर्म में पार्टनर हैं। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:1, कि वो प्रॉफिट को 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। दे एग्री शेयर इन प्रॉफिट इन फ्यूचर विल 1:1। उन्होंने डिसाइड किया कि वो फ्यूचर में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, वो 1:1 में करेंगे, ठीक है। दिस इफेक्ट ऑन 1 जनवरी 2017, ये जो इफेक्ट आएगा रेशियो चेंज का, ये आएगा बेटा 1 जनवरी 2017 से, मतलब 1 जनवरी 2017 के बाद वो प्रॉफिट को 1:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। व्हेन चेंज इन रेशियो, जब रेशियो में चेंज हुआ, देन वैल्यू ऑफ गुडविल ₹30,000। जब रेशियो में चेंज हुआ तो गुडविल की वैल्यू कितनी थी उस टाइम, ₹30,000 थी, ठीक है, क्लियर है बेटा। अब ये देखो, यहां 30,000 का मीन ये है बेटा, ये 30,000 है, यहां जो प्रॉफिट होगा वो किसकी वजह से होगा, प्रीवियस एफर्ट्स की वजह से होगा, यहां प्रीवियस मेहनत की वजह से, मेहनत की वजह से 30,000 प्रॉफिट यहां होगा रेशियो में चेंज के बाद, क्लियर हो गया। तो इस 30,000 में जो मेहनत है वो प्रीवियस की लगी हुई है, तो गुडविल का मीन तो ये है ना। अब इस 30,000 को किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, 2:1 में, क्योंकि एफर्ट्स इसका था ये, तो वो ही बात सेम ओल्ड रेशियो कि 30,000 को ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो एक्स और वाई, एक्स के पास कितना जाएगा भाई, 30,000 × 2/3 मतलब 20,000 जाना चाहिए, और वाई के हिस्से कितना जाना चाहिए, 10,000। अब ये इसको न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो इस 30,000 में से 50,000 जाना चाहिए मिस्टर एक्स के पास और 15,000 जाना चाहिए मिस्टर वाई के पास। अब चेक करो, जाना कितना चाहिए, 30,000 इसके पास, क्योंकि प्रीवियस का 30,000 बन रहा था, लेकिन अब नए के अकॉर्डिंग जा कितना रहा है, 15, तो ₹5,000 और मिलना चाहिए इसको, ठीक है, ताकि झगड़ा ना हो। और इसके पास कितना जाना चाहिए 30,000 प्रॉफिट में से, 10,000, लेकिन न्यू रेशियो के अकॉर्डिंग जा कितना रहा है, 15,000, मतलब ₹5,000 इसके पास ज्यादा जा रहा है, एक्सेस में जा रहा है, ठीक है, एक्सेस में जा रहा है। तो आज अगर एक्स 5,000 वाई एक्स को दे दे, वाई जो है 5,000 किसको प्रोवाइड करवा दे,
एक्स को, तो झगड़ा ही खत्म हो जाएगा, ठीक है ना, फिर तो कोई समस्या ही नहीं है। फिर एंट्री क्या करें, ये पार्टनर कैपिटल का पार्ट देगा आने वाले टाइम में, इसकी कैपिटल कम होगी, कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है बेटा कम होगी, तो हम क्या करते हैं उसको डेबिट। तो मैं एंट्री क्या करूं बेटा, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट, कितना भाई 5000 एंड 5000। बताइए कोई दिक्कत है क्या? हाँ, कई बार आपको क्वेश्चन में ये वैल्यू गिवन नहीं मिलेगी, तो ये आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी बेटा। अब कैलकुलेट करनी पड़े तो आपको कैलकुलेशन का, हमने पिछले 4 जो लेक्चर हैं वो गुडविल के कैलकुलेशन के ही थे, तो वो मेथड लगा के आप गुडविल वो कैलकुलेट कर लीजिएगा। यहाँ तक क्लियर बेटा? कोई दिक्कत, कोई क्वेश्चन है किसी प्रकार का तो आप पूछिए बेटा। जल्दी से बताइए, कोई दिक्कत है क्या? डन सर, वेरी गुड। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे बच्चे हैं। तो ये कंसेप्ट आपको समझ में आया बेटा? ये हमारा कंसेप्ट था कि जो रेपुटेशन है, गुडविल है, उस गुडविल को हम कैसे ट्रीट करते हैं जब रेशियो में चेंज आ जाए। तो सबसे पहले तो हमें ये चेक करना है कि गुडविल का ट्रीटमेंट करते क्यों है, गुडविल का हम रेशियो में चेंज की वजह से क्यों, कहाँ, क्यों जरूरत पड़ती है, ये बात क्लियर होनी चाहिए बेटा। तो गुडविल एक बार फिर देख लीजिए बेटा, गुडविल का मीन है कि यहां जो प्रॉफिट हुआ वो प्रीवियस की वजह से हुआ, प्रीवियस की वजह से जो फ्यूचर में प्रॉफिट हो रहा है वो उसकी गुडविल है, ठीक है। और वो जो गुडविल है वो पीछे की मेहनत की वजह से, यहां ये 30,000 प्रॉफिट पीछे की मेहनत से है, पीछे की मेहनत है, इसका मतलब रेशियो 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, लेकिन किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो गई, 1:1 में। तो मैंने चेक कर लिया कि होना चाहिए इनका ओल्ड रेशियो में, हो गया इनका न्यू रेशियो में, ठीक है। तो यहां जिसको कम मिल रहा है उसको पार्ट मिल जाएगा, ज्यादा मिल रहा है वो दे देगा, दैट सोल सॉरी। ये हमारा कंसेप्ट है बेटा आज का, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा डिस्कशन करूंगा हमारी बुक के हिसाब से, सिर्फ दो ही बातें बतानी है। ये तो था बेटा कंसेप्ट बेस्ड स्टडी कि वह कैसे, क्यों हुआ, ठीक है, गुडविल का कैलकुलेशन क्यों करना पड़ा, गुडविल का मीनिंग क्या है, गुडविल को कैलकुलेट कैसे करते हैं, गुडविल की जरूरत क्यों पड़ती है, ये सभी बातों का जवाब था बेटा हमारा इस कंसेप्ट के अंदर, ठीक है। अब मैं हमारा जो बुक के हिसाब से है वो और बता देता हूं। बुक में क्या बोला गया है कि आप सैक्रिफाइस और गेनिंग रेशियो कैलकुलेट कर लीजिए, सैक्रिफाइस और गेनिंग रेशियो, ठीक है, बिल्कुल लीजिए बेटा। इसके बारे में चेक करता हूं, इसी क्वेश्चन में अप्लाई कर देता हूं, सैक्रिफाइस और गेनिंग रेशियो, सैक्रिफाइस और गेनिंग रेशियो, रेशियो में चेंज आएगा तो ये तो कन्फर्म हो गया ना बेटा, किसी पार्टनर को तो इन फ्यूचर पहले से कम मिलेगा या किसी पार्टनर को पहले से ज्यादा मिलेगा, मतलब किसी को कम मिलेगा तो सैक्रिफाइस बोलेंगे, किसी को प्रीवियस से फ्यूचर में ज्यादा मिलेगा तो उसको हम गेन बोलेंगे बेटा। ये हमने जब इंट्रोडक्शन था चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का, उस टाइम हमने ये जो टॉपिक है वो डिस्कस कर लिया था, इसके एक स्पेसिफिक वीडियो है बेटा, आप देख लीजिए अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो। और जो बच्चे नए जो हैं वो हमारी वीडियो देख रहे हैं तो वो हमारी प्रीवियस वीडियो चेक जरूर करें,
काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है हमारे यूट्यूब चैनल से। ये सभी आप लोगों की मेहनत से है बेटा, आप लोगों की वजह से है। हमारे जो व्यूवर हैं वो बहुत ज़्यादा संख्या में लगातार बढ़ रहे हैं, हमारे सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, और बेटा ये आप सभी लोगों की जो दुआ जो हैं, आप सभी जो बच्चों की मेहनत से ये सब पॉसिबल है बेटा, ठीक है। चलो, सेक्रीफाइस और गेनिंग रेशियो भी बेटा मैंने कैसे किया था, सेक्रीफाइस और गेनिंग रेशियो निकालना है तो मैंने क्या बताया था आपको, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो कर लीजिए, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, डिटेल है इसकी हमारी वीडियो के अंदर। ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करते और कोई टर्म आपकी माइनस में आ जाती है तो बेटा आपने सेक्रीफाइस किया, और अगर कोई प्लस किया जाते है तो आपने गेन किया। अब मैं इसमें देख रहा हूं मिस्टर एक्स का, मिस्टर एक्स का ओल्ड रेशियो कितना है, ओल्ड है बेटा 2/3, ठीक है। न्यू कितना है एक्स का, 1/2, एलसीएम कितना है बेटा 6, 4-3, 1/6 का बेटा यहां देखो प्लस में आया, प्लस में आता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, ये क्या है, सेक्रीफाइस, कि जितना पार्ट इसको प्रीवियस में मिल रहा था इन फ्यूचर उसका 1/6 पार्ट है उसको कम मिलेगा। वाई का कैलकुलेट करें बेटा, वाई का ओल्ड रेशियो कितना है 1/3, न्यू रेशियो कितना है 1/2। अच्छा चेक करते हैं एलसीएम कितना आया भाई 6, 2-3 माइनस का 1/6 आया बेटा, इसका मतलब इसने क्या क्या गेन, मतलब क्या हुआ कि ये इनका पास्ट है बेटा और ये फ्यूचर, कि पास्ट में मिस्टर एक्स को जितना मिल रहा था इन फ्यूचर उसको 1/6 था वो कम मिलेगा, सेक्रीफाइस किया ना, ठीक है। यहां से चेक करता हूं बेटा, अब देखो बड़ा सिंपल है बेटा, ये भी मैं कंसेप्ट के साथ ही बता रहा हूं, मैं इसी एग्जांपल को लेकर चलूं तो 30,000 प्रॉफिट हुआ बेटा, 30,000 प्रॉफिट हुआ, वो इनकी रेपुटेशन की वजह से हुआ। रेपुटेशन की वजह से हुआ का मीन है बेटा कि इनकी जो गुडविल है यहां वो 30,000 है, कहने का मतलब इनकी रेपुटेशन की वजह से 30,000 प्रॉफिट होगा फ्यूचर में, ठीक है। इस 30,000 में अब मिस्टर एक्स है उसको 1/6 कम मिला, क्योंकि इनको रेशियो में न्यू रेशियो यहां होगा और यहां का जो रेशियो है वो एक्स का 1/6 कम है, कम का मतलब सेक्रीफाइस कम मिला। तो देखो ना 30,000 में इसको 1/6 कम मिलेगा तो सीधी सी बात है 5,000 रुपीज कम मिला, कम मिला, ठीक है। अब अगर मैं वाय की बात करूं तो इस 30,000 में यहां गेन 1/6 किया ना, मतलब पहले जितना मिल रहा था उससे 1/6 ज्यादा मिलेगा, तो 30,000 जो रेपुटेशन की वजह से हुआ इसका मीन है कि 1/6 इसमें उसको ज्यादा मिला, 5,000 बगैर मेहनत के मिला, ज्यादा मिला, ठीक है। तो वही झगड़ा 5,000 का था कि मेहनत जितनी कर रहे थे उससे 5,000 रुपये इसको कम मिल रहे हैं, तो आज दे दो भाई, इसकी मेहनत है, ये तो प्रीवियस की मेहनत है मिस्टर एक्स की, दो कोई दिक्कत नहीं है, और इसको बगैर मेहनत के मिल रहे हैं तो ये वाय देगा। तो वही बात है ना, ये है बेटा सेक्रीफाइस करने वाला और ये है गेन करने वाला। तो मीन क्या हुआ, गेन करने वाला पार्टनर सेक्रीफाइस करने वाले पार्टनर को प्रोवाइड करवाएगा पार्ट, ठीक है। अब देखो सेक्रीफाइस करने वाले को मिलेगा, मतलब इसके कैपिटल में ज्यादा पैसा हो जाएगा, 5,000 जाएगा पैसा, क्रेडिट हो जाएगा, और ये देगा तो इसकी कैपिटल कम हो जाएगी, तो एंट्री क्या होगी, वो ही सेम, देखो कोई इफेक्ट नहीं है बेटा, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल कितना 5,000 and 5,000, वो ही बात है बेटा, यहां भी वही बात है और यहां भी वही बात है। ये सेक्रीफाइस और गेनिंग है हमारी बुक के हिसाब से है,
और ये है बेटा कंसेप्ट के हिसाब से। और मेरा ये मानना है कि आपको कंसेप्ट आना चाहिए बेटा, आपको हर एक पॉइंट गहराई से पता होना चाहिए, ठीक है। तो आज का ये हमारा टॉपिक था बेटा, इसके रिगार्डिंग जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो आप कीजिएगा, और ऐसे ही डीप कंसेप्ट के साथ हम आगे के जो डिस्कशन है वो करेंगे, और प्रीवियस जो हमारे वीडियोज़ हैं वो भी डीप बताए गए हैं बेटा, सीए और सीएस लेवल के आपको बताए गए हैं, ठीक है। तो किसी भी पॉइंट में किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी, ये मेरा आपके से वायदा है, ठीक है। तो आज के लिए बेटा हम इतना ही डिस्कस करते हैं, किसी बच्चे की कोई भी दिक्कत, कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए बेटा। क्लियर है सर, यूनिका वेरी गुड, मंजू वेरी गुड बेटा, ईश्वर सिंह वेरी गुड, कुलदीप वेरी गुड, यूनिका वेरी गुड बेटा, महेश कुमार वेरी गुड, राहुल शाबाश बेटा, अनिल वेरी गुड बेटा, कोमल रोहिला शाबाश, विपिन लांबा क्लियर सर वेरी गुड बेटा। तो ये हमारा कंसेप्ट था, और कंसेप्ट बेस्ड स्टडी ही करें, आपको पता होना चाहिए बेटा। मैं बार बार आपको ये बात बोलता हूँ कि बेटा आप कंसेप्ट के साथ चलिए, कंसेप्ट के साथ चलिए, डीप स्टडी कीजिए, मन से पढ़िए, ठीक है। कभी भी किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये मेरी गारंटी है बेटा, अगर आप मन से पढ़ेंगे, आप कंसेप्ट बेस्ड स्टडी करेंगे। और जब मैं यहाँ लाइव क्लास ले रहा हूँ तो 100% मन से बेटा आप क्लास में हूँ, ठीक है। और यूनिका धायल क्लियर सर वेरी गुड, वेरी गुड बेटा। तो आज की क्लास हम यहीं क्लोज करते हैं बेटा, और हमारा जो चैनल है वो बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है बेटा, तो ये आप लोगों की मेहनत है, ठीक है बेटा। तो जो बच्चा हमारी क्लास देख रहे हैं, अगर पसंद आए, अगर आपको पसंद आ रही है क्लास, तो बेटा उसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि जो आपके फ्रेंड्स हैं उनको फ़ायदा हो, ठीक है। तो ठीक है बेटा, हमारा जो चैनल है लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर कोई सजेशन है, कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, कोई क्यूरी है, तो बेटा हमें साथ के साथ बताते रहें। चलो बेटा, थैंक यू वेरी मच, आज की क्लास हम यहीं क्लोज करते हैं, ओके बेटा।